बदकिस्मती है कि 3.5 साल गुजारे हमने सिर्फ इसी बात पे, जब सर्दी होती है हम कहते हैं गैस नहीं है, और जब गर्मी होती है तो हमारे ज़मींदार और अब सब रोडों पे आते हैं कि बिजली नहीं है। नए कायदे आवान साहब आया हुआ है, उससे यही तवक्कु रखते हैं कि कल मैंने जीएम गैस से बात की, गुज़िश्ता एक हफ्ते से मैं मुसलसल 2-3 दफ़ा उसके ऑफिस भी गया हूँ। अभी कल ये बात बिल्कुल ऐलान उसने कह दिया कि हमें जो इम्पोर्ट करते हैं हम LNG उसको 1200 उसने कहा क्यूबिक फिट होता है, क्या इनका कोई हिसाब किताब है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त 800 है, हम 400 क्यूबिक फिट जो है वो उसकी कमी का सामना है, और आने वाले सर्दियों में मज़ीद ये मसला संगीन और गंभीर हो जाएगा। सर्दियों अभी तक मुकम्मल सर्दी भी नहीं है, अभी तक बारिशें भी नहीं हुई है, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे GM को बुलाना, उसको 2-4 बातें करना उसका, क्योंकि ये गुज़िश्ता एक हफ्ते में सब उसके पास गए हैं जो क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जितने भी MPAs है, और उनके पास गैस इस वक्त है ही नहीं इतना जितना हमारी ज़रूरियात है। आगे इसकी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, इनको प्रेशर बढ़ाना होगा। तो मैं अपने कायदे आवान साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि बहुत सीरियस मसला है, और ख़ासकर 2-3 दिनों के बाद अगर ज़्यादा सर्दी होगी, लोग रोडों पे होंगे, इसके लिए सिर्फ GM को बुलाना यहाँ पे मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। इसके लिए बाकायदा आप इस्लामाबाद में वहाँ जो भी आप की कमेटी बनाते हैं, ख़ुद आप अपने उजरा 2-4 बंदों को ले जाकर इस पर, लेकिन आने वाले दिनों में जनाब स्पीकर साहब, मैं कायदे आवान साहब को इसलिए नोटिस लाना चाह रहा हूँ कि लोग रोडों पर होंगे, फिर यही होगा कि हम उनसे सुबह से शाम तक बात करेंगे। लोग इस सर्दी में अगर रोड पे निकलते हैं, इसका कोई मुस्तकिल अल हम चाहते हैं कि इसका कोई मुस्तकिल अल हो, खुसूसन सरयाब की तरफ जो हमें बिजली मिल जाती है, शहर में अगर 18 घंटे 20 घंटे हैं, वहाँ पे 8 घंटे 6 घंटे, 2-4 फीडर ऐसे हैं जिसमें अन्य की मैं बात करता हूँ कि 6 घंटे उसको बिजली मिलता है, साथ में वहाँ पर जितने फीडर हैं उनको 22 घंटे 24 घंटे मिल जाते हैं, यहाँ पे शहर में 20 घंटे है, लेकिन सरयाब में जो शानवास फीडर है, म्यानगुंडी है, जो शमोजी है, ये सारे जो है 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं है, तो इधर से गैस नहीं है, उधर से बिजली नहीं है। ये 2-3 चीज़ों पे मैं जनाब कायदे आवान से चाहता हूँ कि आज इसके लिए कोई एक सख्त सा को ऐलान कर ले, ताकि ये सर्दियों में हमें गैस और बिजली तो मिल जाए, ये 3 साल में और तो हमें कुछ नहीं मिला।